रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। रियल न्यूज हरियाणा की वीडियो का असर देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन वीडियो डलने के बाद हरकत में नज़र आया है और आप देख सकते हैं कि बलियावाला हेड पर जो 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, यहाँ एक चुल्लड़ गांव का जो लड़का है वो नहाते वक्त डूब गया था और उस समय रियल न्यूज़ हरियाणा पर एक वीडियो डाली गई थी कि पुलिस प्रशासन भी बड़ी चेतावनी के बाद यहां किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो उस वीडियो के बाद देख सकते हैं कि सिटी SHO यहां पर मौजूद है, ट्रैफिक इंचार्ज यहां मौजूद हैं और यहां पर आज बहुत बड़ी कार्रवाई की है। तो एक बार वो वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। आप हेड पर देख सकते हैं चेतावनी लिखी हुई है, लेकिन प्रशासन की नज़रों के नीचे आप अभी भी देख सकते हैं कितने लोग हैं जो नहा रहे हैं और यहाँ पर नहाना कानूनी जुर्म है, लेकिन सरकार है, प्रशासन है, नज़रों के नीचे, प्रशासन की नज़रों के नीचे इतने लोग नहा रहे हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि यहाँ नहाना है जो कानूनी जुर्म है। और अगर प्रशासन यहाँ सख्ताई करे तो ये हादसे हैं जो वो होने से बच सकते हैं। तो आपने देखा रियल न्यूज़ हरियाणा ने ये 3 से 4 दिन पहले वीडियो रियल न्यूज़ पर अपलोड की थी और इस वीडियो का असर आज देखने को मिला है। CT SHO बलवान जी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रीमती आस्था मोदी IPS SSP फतेहाबाद के आदेशानुसार यहाँ पर काफ़ी दिन से ड्यूटियाँ लगाई गई है क्योंकि नहर में पानी का बहाव बहुत तेज है और हर वर्ष की तरह यहाँ पर सूचनाएं मिलती है कि वहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे नहा रहे हैं। उनको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो सर, यदि कोई बच्चा नहर में नहाता मिल जाए तो क्या कार्रवाई की जाएगी? नहर में नहाता मिल जाता है तो कोई साधन है, उसके कागज चेकिंग करते हैं और जैसे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है और उसके माता पिता का मोबाइल नंबर लेकर उसके माता पिता को सूचित किया जाता है। इस बारे में आपका लड़का यहाँ नहाने के लिए आया हुआ है, यहाँ पानी का बहाव तेज है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील मैं आम जनता से और बच्चों के माता पिता से यही अपील करता हूँ, अपने बच्चों को अपने बच्चों की देखरेख करें, अच्छा संस्कार दें और खेलों की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और नहर में नहर नहाने के उनको समझाएं। आज यहाँ पर मेरे साथ इंचार्ज ट्रैफिक श्री बसावराम जी अपनी टीम के साथ आए हुए हैं और अब तक हमने 31 चालान किए हैं जिसमें 7 मोटरसाइकिल इंपाउंड और 24 अन्य चालान किए। अगर यदि कोई फिर द्वारा या बिना कागज के मोटरसाइकिल आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाए? देखो ये लगातार मुहिम जारी रहेगी, गर्मी का मौसम है, बच्चे काफी आते हैं यहाँ पर और ये मुहिम जारी रहेगी SP श्रीमती आस्था मोदी के आदेश अनुसार।